क्या आप घर बैठे कुछ खरीदना चाहते हैं? क्या आप खोज रहे हैं विश्वसनीय ई स्टोर? तो देर किस बात की, अभी लॉगिन करें skbmarket.in। skbmarket.in देश का सबसे तेजी से बढ़ता ऑनलाइन शॉपिंग और सर्विस प्लेटफॉर्म है। आपके skbmarket.in से अब तक 3 लाख से ज्यादा संतुष्ट ग्राहक जुड़ चुके हैं। हमारा उद्देश्य न केवल उत्पाद बेचना है बल्कि आत्मनिर्भर भारत का निर्माण करना है। हम अपनी ई सेवा गतिविधियाँ यानी ऑनलाइन व्यवसाय को अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुँचाने जा रहे हैं। skbmarket.in शॉपिंग सुकून के साथ। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। वैशाली युवा कांग्रेस के सदस्यों ने मकर संक्रांति के पर विशेष कार्यक्रम का किया आयोजन। सड़क सुरक्षा सप्ताह के तीसरे दिन जीवन जागृति, भागलपुर पुलिस ने यातायात नियमों के प्रति किया जागरूक। मकर संक्रांति पर अखिल भारतीय कुर्मी क्षत्रिय महासभा का हुआ मिलन समारोह। उत्तर वाहिनी आज गैबीनाथ गंगा घाट पर श्रद्धालुओं की उमड़ी भीड़, जिला प्रशासन ने सुरक्षा की व्यवस्था की किए पुख्ता इंतजाम। एक सपेरे को सांप पकड़ते समय कोबरा सांप ने डसा, गंभीर स्थिति में उपचार के लिए GMCH बेतिया किया गया रेफर, हालत गंभीर। नमस्कार, मैं हूं मयूरी श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। वक्त हो गया है बिहार की बड़ी खबरों का। नालंदा के रहुई प्रखंड उप प्रमुख राकेश रंजन ने मकर संक्रांति के अवसर पर भदवा गांव में दही चूड़ा भोज कार्यक्रम का आयोजन किया। उन्होंने कहा कि सांस्कृतिक कार्यक्रमों से जन प्रतिनिधियों को एक दूसरे को समझने, आपसी सौहार्द बढ़ाने का मौका मिलता है। कार्यक्रम में सभी प्रखंड वासियों को आमंत्रित किया गया था। इस दौरान प्रखंड क्षेत्र मुखिया, पंचायत समिति सदस्य, जिला परिषद सदस्य, उप मेयर प्रतिनिधि दानिश मलिक, जदयू वरिष्ठ नेता भवानी सिंह समेत अन्य कई गणमान्य उपस्थित थे। मकर संक्रांति के उपलक्ष्य पर हम पूरे प्रखंड वासी को आमंत्रित किए हैं दही चूड़ा का, जिसमें सभी रोहित प्रखंड के जितने भी प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, मुखिया, पंचायत समिति, जिला परिषद और जितने भी स्टाफ हैं ब्लॉक का, उनको हम आमंत्रित किए हैं दही चूड़ा का भोज कर कर का एक आपसी भाईचारा के साथ में आज शुरुआत किए हैं। कोशिश करेंगे कि जैसे आज हम लोग भाईचारे के साथ में आज चूड़ा दही मना रहे हैं, उसी भाईचारे के साथ में अपने ब्लॉक में सर्वांगीण विकास के लिए। आज मकर संक्रांति के अवसर पर मैं पूरे पंचायत वासियों को शुभकामना देता हूं। और यहां पे छोटा सा एक पार्टी आयोजन किया गया है मकर संक्रांति के उपलक्ष्य में। हम लोग सब मुखिया, पंचायत समिति लोग मिलकर सब मना रहे हैं। क्या रीजन है, उद्देश्य क्या है इसका? सब हम लोग पंचायत के द्वारा ही हैं, इसमें प्रमुख रूप से भागीदारी कर रहे हैं। वैशाली युवा कांग्रेस के सदस्यों ने मकर संक्रांति के अवसर पर विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया। इस दौरान वैशाली जिला कांग्रेस अध्यक्ष रणधीर कुमार, चंदन कुमार और मनोज कुमार राय उपस्थित रहे। उन्होंने जरूरतमंद बच्चों को निःशुल्क पतंगों का वितरण किया और कहा कि त्योहार पर बच्चों को किसी का सहयोग नहीं लेना पड़े, इसलिए कार्यक्रम का आयोजन कर जरूरतमंदों को पतंग वितरित किया गया। साथ ही कहा कि संस्था पिछले 12 सालों से गरीब बच्चों के बीच जाकर पतंग वितरित करती आ रही है। कार्यक्रम कर रहा है, इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य यही है कि विगत 12 वर्षों से यूथ कांग्रेस वैशाली हमेशा गरीब गुरबे बच्चे को पतंग वितरण करते आई है और आगे भी करते रहेगी। और छोटे बच्चे जितने भी, जिनको उपलब्ध नहीं, सुविधा उपलब्ध नहीं हो पाती, उन लोग के हम लोग
जाकर अपना पतंग वितरण कर खुशी इजहार करते हैं और अपना उनके साथ है मकर संक्रांति मनाते हैं। जब यही समझ लीजिए जी। आपका नाम? मनोज कुमार राय। किस पोस्ट पर हैं सर? वाइस प्रेसिडेंट वैशाली। अभी जो कार्यक्रम कर रहा है इसका उद्देश्य क्या है? आज का जो कार्यक्रम जी, ये वैशाली युवा कांग्रेस विगत पिछले 12 सालों से लगातार जब भी हमारे यहाँ मकर संक्रांति आती है हाजीपुर शहर के दर्जनों मोहल्लों में जाकर वैशाली युवा कांग्रेस के द्वारा गरीब बच्चों के बीच में पतंग का वितरण किया जाता है, ताकि जो बच्चे के पास नहीं ले पाते हैं उन बच्चों को भी खुशी। मतलब समाज जो पिछले बच्चे हैं उनके लिए आप लोग का योगदान रहता है जी। ये लगातार पिछले 12 सालों से वैशाली युवा कांग्रेस के द्वारा बच्चों के ऊपर एक मुस्कान लाने का प्रयास हम एक छोटा सा। अभी जो कार्यक्रम कर रहे हैं क्या कर रहे हैं? ये मकर संक्रांति के दिन युवा कांग्रेस वैशाली द्वारा बच्चों के बीच पतंग बांटकर एक छोटी सी खुशी और एक छोटा सा मुस्कान उनके चेहरे पर लाने का प्रयास किया जा रहा है। जो युवा कांग्रेस विगत कई वर्षों से इस चीज़ को कर रही है उसी परंपरा को हम आगे बढ़ा रहे हैं इस एक छोटे से प्रयास के साथ। जी आपका नाम? रणधीर कुमार। किस पोस्ट पर हैं? जी मैं युवा कांग्रेस जिलाध्यक्ष हूँ अभी वर्तमान में। हेलो। सड़क सुरक्षा सप्ताह के तहत जीवन जागृति सोसाइटी भागलपुर पुलिस प्रशासन ने सड़कों पर उतरकर लोगों को यातायात नियमों के प्रति जागरूक किया। इस दौरान आज भैंस पर साक्षात यमराज पधारे और लोगों को बताया कि अगर हेलमेट नहीं पहनोगे तो मेरे साथ चलना होगा। एक एक करके बिना हेलमेट बाइक सवारों को सुरक्षा के लिए हेलमेट पहनने का सुझाव दिया और वाहन स्वामियों को कान पकड़वा कर गलती का एहसास कराया। टीम भी लगातार मुहिम चला रही है इस चीज को लेकर कि हेलमेट पहनिए, घर सुरक्षित पहुंचिए। क्या कहेंगे? सड़क सुरक्षा सप्ताह के तहत चौथा दिन है और पूरा हमारा बिहार राज्य में है, इसको बड़े स्तर से चलाया जा रहा है। हम लोग भी इसको चला रहे हैं, यहाँ जीवन जागृति सोसाइटी भी इसको चला रही है। प्रत्येक दिन कुछ ना कुछ हम नया कर रहे हैं, लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि जो भी सुरक्षा मानक है ट्रैफिक रूल्स के, जो भी सुरक्षा मानक तय किए गए हैं उसका पालन करें ताकि कम से कम एक्सीडेंट हो और लोग सुरक्षित रहें। इसी दरमियान में आज हम लोग एक यमराज का दिखाएंगे आप लोगों को कि यदि आप हेलमेट नहीं पहनते हैं या सुरक्षा मानक का ये नहीं मानते हैं, ट्रैफिक रूल्स का पालन नहीं करते हैं, तो यमराज जो है वो हम नहीं पहनते हैं। सीट बेल्ट गाड़ी पर काला ले गाड़ी लेते हैं, सीट बेल्ट नहीं लगाते हैं तो आपका लगता है धरती से मन उठ गया है। तो मैं खुद आ गया हूँ और आपका दिन पूरा होने वाला है। वो लोगों को आगाह कर रहे हैं, लोगों का आंखें खोल रहा है कि आप सावधान हो जाइए और यातायात का जो पालन है नियम का वो करिए, ओवर स्पीड मत चलाइए और ओवरटेक भी आप बहुत सावधानी से करिए, क्योंकि आए दिन सड़क दुर्घटना होता है। जितना युद्ध में नहीं मरता है उतना सड़कों पर मरता है, और वो भी बेवजह। आप कराते रहते हैं, मदद के लिए पुकारते रहते हैं। बैचलर लाइब्रेरी ऑफ इंफॉर्मेशन साइंस की 16 जनवरी से 21 जनवरी को होने वाली परीक्षा को लेकर छात्र छात्राओं ने मकर संक्रांति पर नालंदा कॉलेज परिसर में शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन किया। एग्जाम सेंटर पटना निर्धारित होने पर छात्रों ने कॉलेज प्रशासन को शीतलहर में होने वाली परेशानियों से अवगत कराया। छात्र छात्राओं ने मांगे पूरी नहीं होने पर परीक्षा का बायकॉट करने की चेतावनी कॉलेज प्रबंधन को दी। नालंदा कॉलेज के प्रिंसिपल रामकृष्ण परमहंस ने कहा कि यह मामला यूनिवर्सिटी प्रबंधन से संबंधित है, इसमें कॉलेज की तरफ से कोई हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता। क्या समस्या है और निर्णय क्या लिया है आप लोगों ने? जी मैं ब्लीस की छात्रा हूँ। हम लोग ने यह निर्णय लिया है कि इस एग्ज़ाम को पूरी तरह से बाइकआउट कर देंगे। अच्छा। क्योंकि गर्ल्स के साथ परेशानियाँ, गार्जियन बिल्कुल बोल रहे हैं कि आप लोग एग्ज़ाम देने बिल्कुल नहीं जाइए, ठंड का मौसम है और लगातार एग्ज़ाम है, ऊपर से सेकंड शिफ्ट में है, शाम को लौटते लौटते तो गर्ल्स को बहुत बहुत ज़्यादा लेट हो जाएगा। क्या 10 बजे पॉसिबल है गर्ल्स को आना पटना से? प्रिंसिपल कह रहे हैं कि ये यूनिवर्सिटी का ये है किया हुआ है, हम हमारे हाथ में कुछ नहीं। प्रिंसिपल सर चाहेंगे तो निर्णय बदल सकते हैं और यूनिवर्सिटी में अपना सूचना या फिर कुछ ऐसा कर सकते हैं कि डिसीजन बदला जा सके। पूरे जिले में ये समस्या है या कि फिर आपके साथ ये? पुलिस के लड़कों का केंद्र जो है परीक्षा का वो चला गया है पटना,
पटना ये लोग कह रहे हैं कि जाने में तकलीफ है, खास करके लड़कियों के बारे में ज़्यादा ये चिंता लोग जता रहे हैं। तो ये तो यूनिवर्सिटी का निर्णय है, वहाँ से कंट्रोलर का निर्णय सर। ये लोग का कहना है कि इसके पूर्व परीक्षा यहीं ली गई थी। हाँ, पूर्व परीक्षा ली गई थी, यहीं ली गई थी, लेकिन अभी यूनिवर्सिटी का निर्णय है। अभी सत्र जो है नियमित करने का भाई चांसलर साहब का बहुत बड़ा प्रयास है। तो उसके साथ में अभी सीनेट हुआ था तो मांग ये भी हुई थी कि लड़के लोग आए कॉलेज में। भागलपुर के सुल्तानगंज स्थित उत्तर वाहिनी आज गैबीनाथ गंगा घाट पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु गंगा स्नान के लिए आ रहे हैं। गंगा घाट पर नगर परिषद जिला प्रशासन की तरफ से एसडीआरएफ की टीम और बैरिकेटिंग की उचित व्यवस्था की गई है। पौराणिक मान्यताओं के आधार पर सूर्य के मकर राशि में प्रवेश करने पर मकर संक्रांति का त्यौहार मनाया जाता है। इस दौरान गंगा स्नान दान पुण्य विशेष महत्व रखता है। बंगाल पंडेश्वर से मकर संक्रांति पर्व में गंगा स्नान को आए श्रद्धालु शंभू राय गौतम कुमार राय ने गंगा स्नान के बाद जरूरतमंदों को कमल खाद्य सामग्री का वितरण किया। सुल्तानगंज के अजगैबीनाथ उत्तर वाहिनी गंगा तट पर मकर संक्रांति को लेकर के इस कड़ाके की ठंड के बावजूद भी आप देख सकते हैं कि श्रद्धालु यहां पर गंगा स्नान करने के लिए पहुंच रहे हैं और काफ़ी संख्या में श्रद्धालु इस ठंड को के बावजूद भी यहां पहुंच रहे हैं। पुरानी परंपरा के अनुसार ये मान्यता है कि सूर्य की मकर राशि में प्रवेश करने के बाद ही इस मकर संक्रांति पर्व मनाया जाता है और इस पर्व की मान्यता यह है कि इस पर्व में गंगा स्नान के बाद धन पुण्य भी की जाती है। सुल्तानगंज से अतुल भारती, डीटीवी न्यूज। मधुबनी के फुलहार गांव स्थित गिरिजा माई विशैल गांव स्थित विश्वामित्र आश्रम रामायण सर्किट से जुड़े होने के बावजूद वर्षों से उपेक्षित देवस्थलों के संपूर्ण विकास के लिए एएमयू ने वैदेही मैराथन दौड़ का आयोजन किया। प्रखंड विकास पदाधिकारी कृष्ण मुरारी समेत गणमान्य व्यक्तियों ने हरी झंडी दिखाकर मैराथन को रवाना किया। मैराथन में बिहार के समेत जिलों और उत्तर प्रदेश युवाओं ने प्रतिभाग किया है। सुरक्षा के दृष्टिकोण से मेडिकल कैंप, पानी और एम्बुलेंस की उचित व्यवस्था की गई है। मैराथन के समापन पर प्रतिभागियों को पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। विश्वामित्र आश्रम परिसर में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए वक्ताओं FCC अध्यक्ष भूषण यादव, अंशु कुमार और अन्य अतिथियों ने सरकार से भगवान श्री राम, जगत जननी माता सीता की पावन धरती को तीर्थ स्थल घोषित करने की मांग की और तीर्थ स्थलों के संपूर्ण विकास नहीं होने पर निरंतर संघर्ष जारी रखने की चेतावनी दी। वैदेही मैराथन कार्यक्रम है, उसके बारे में दो शब्द बताइए। 12 किलोमीटर का ये मैराथन कराया गया। इसका उद्देश्य जो था, जितने भी हमारे प्रमुख स्थल है, जो धार्मिक स्थल है, उस सब के ऊपर निगरानी नहीं है सरकार का, सरकार की नज़र नहीं है, उसके लिए प्रयास हमने किया। तो ये बेहतर तरीके से 53 बच्चों ने इसमें हिस्सा लिया और दूर दराज से भी लोगों ने हिस्सा लिया। जैसे आपने देखा, प्रथम और द्वितीय बच्चा जो हमारा आया है, 5100 प्रथम बच्चे को पुरस्कार दिया गया, दूसरे बच्चे को 3100 पुरस्कार, तीसरे बच्चे को 2100 पुरस्कार दिया गया। और सिर्फ ये प्रोत्साहन के बारे में DM साहब से जवाब दे रहा था, उसी से जाना यहाँ फुलहर का इतना महत्व है और यहाँ पे बिसौल में विश्वामित्र जी का आश्रम है। तो अभी तक मैं इसके बारे में DM साहब को मेरे 3-4 बार लिख चुका हूँ, इसका विकास करवाया जाए। तो विकास इंफ्रास्ट्रक्चर तो करीब करीब दोनों जगह अवेलेबल। आप इस मैराथन दौड़ में आज भाग लिए हैं, आप यूपी से आकर के? क्या सर? ठीक है, यूपी से आए हैं। जी जी, मैराथन दौड़ में भाग लिए हैं। जी जी, कहाँ से कहाँ तक दौड़े हैं, कितना किलोमीटर की दूरी, कितने देर में आपने तय किया? देखिए सर, यहाँ पे हुआ था जो मैराथन, यहाँ पे अभी हुआ है, ये 12 किलोमीटर की मैराथन थी जिसमें मेरी टाइमिंग लगी 40 मिनट 12 सेकंड की, मेरी यहाँ पे बेस्ट टाइमिंग लगी। कुछ युवाओं को संदेश देना चाहिए कि किस तरह से आपने इतना कम समय में आपने 12 किलोमीटर की दूरी तय कर प्रथम स्थान हासिल किए हैं? दौड़ते वक्त आप क्या सोच रहे थे? नवादा के वारसीगंज बाजार में बीते दिन महिला से हुई लूट का पुलिस अधिकारियों ने खुलासा किया है। वारदात में शामिल पांडे गिरोह के 9 सदस्यों को गिरफ्तार किया गया है।
पुलिस अधिकारियों ने आरोपी की पहचान मुकुल कुमार, अमित तिवारी, मनीष पांडे, मिथिलेश कुमार, दीपक तिवारी, सोनू तिवारी, अमरजीत तिवारी, लोड़ी उर्फ राहुल तिवारी, दीपक मिश्रा बेगूसराय निवासी के रूप में की है। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि सभी शातिर किस्म के अपराधी हैं, जिन पर अन्य थानों में लूट और आपराधिक केस दर्ज हैं। नवादा में लूट की वारदात को अंजाम देकर बेगूसराय चले जाते थे। दिनांक 10/1/2023 को बारसलीगंज थाना क्षेत्र में एक वृद्ध महिला से 83,000 रुपया छीन लिया गया है। नवादा पुलिस ने इस घटना को गंभीरता से लिया और एक स्पेशल टीम का गठन किया। थाना अध्यक्ष बारसलीगंज के नेतृत्व में संयुक्त टीम ने बेगूसराय जिला में जाकर रेड किया। रेड के दरमियान 9 अभियुक्त की गिरफ्तारी की गई, जिसके पास से 20,000 रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, बने रहिए प्राइम टीवी के साथ। क्या आप घर बैठे कुछ खरीदना चाहते हैं? क्या आप खोज रहे हैं विश्वसनीय ई स्टोर? तो देर किस बात की, अभी लॉगिन करें skbmarket.in। skbmarket.in देश का सबसे तेजी से बढ़ता ऑनलाइन शॉपिंग और सर्विस प्लेटफॉर्म है। आपके skbmarket.in से अब तक 3,00,000 से ज्यादा संतुष्ट ग्राहक जुड़ चुके हैं। हमारा उद्देश्य न केवल उत्पाद बेचना है, बल्कि आत्मनिर्भर भारत का निर्माण करना है। हम अपनी ई सेवा गतिविधियाँ यानी ऑनलाइन व्यवसाय को अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुँचाने जा रहे हैं। skbmarket.in, शॉपिंग सुकून के साथ। देश की संस्कृति को बयां करते हैं हस्तशिल्प उत्पाद। आइए इसी हस्तशिल्प कारीगरी से घर लाए हम खुशियों की सौगात। आ गया है लखनऊ हस्तशिल्प महोत्सव 24 जनवरी से 7 फरवरी, जहां होंगे 28 राज्यों के हस्तशिल्प उत्पाद और प्रतिदिन भव्य सांस्कृतिक कार्यक्रम। देश की संस्कृति से रंगे अपना जीवन। आइए लखनऊ हस्तशिल्प महोत्सव, काशीराम सांस्कृतिक कार्यक्रम स्थल, बंगला बाजार, आशियाना। डांस भी होगा, मस्ती भी होगी, लगेगा हंसी का जबरदस्त ठहाका, आधे घंटे होगा भरपूर मनोरंजन, जब आप देखेंगे मजेदार वीडियोस। वायरल स्टेशन सिर्फ प्राइम टीवी पर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है, रुक करते हैं खबरों की ओर। नालंदा जिला के कराए पर सुराय थाना अंतर्गत पकड़ी गांव में बदमाशों ने दहशत फैलाने के उद्देश्य से जमकर अंधाधुंध फायरिंग की। इस दौरान घर के बाहर आग ताप रहे मासूम बच्ची गंभीर रूप से जख्मी हो गई। आनन फानन में घायल मासूम को इलाज के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र कराए पर सुराय में भर्ती कराया गया। करायपुर सराय थाना अध्यक्ष दीपक कुमार ने बताया कि बच्ची का बयान दर्ज करा बदमाशों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने के लिए आवेदन दी है। उन्होंने पुलिस अधिकारियों को मामले की जांच पड़ताल के आदेश दिए हैं और घायल बच्ची की पहचान मुन्ना गोप की पुत्री अनुष्का कुमारी पकड़ी गांव निवासी के रूप में की गई है। नवादा के विजय नगर में मोबाइल चोरी करने वाले दो युवकों को स्थानीय लोगों ने रंगे हाथों पकड़ लिया और दोनों युवक की जमकर पिटाई कर दी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने युवकों को गिरफ्तार कर इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद पावापुरी विम्स रेफर कर दिया गया। पुलिस अधिकारियों ने युवकों के पास से एक देशी कट्टा, जिंदा कारतूस बरामद किया और अपराधियों की पहचान मनीष कुमार, कन्हैया कुमार, कादिरगंज ओपी थाना क्षेत्र निवासी के रूप में की है। गिरफ्तारी के बाद दोनों युवक खुद को बेकसूर और जबरन मारपीट का आरोप लगाया गया है बताया। घटना
कैमरामैन ने हम लोग देखे नहीं, लेकिन यहाँ से जब फोन गया थाना पर तो हम लोग गए थे, इसको जनता लोग उस दिन मार रहा था पब्लिक, वहाँ गए तो पब्लिक दिखाया वो पिस्टल फेंकल है, बल्कि सब पॉकेट मारता है मोबाइल छीनता है। तो फिर मन ले हम लोग इसको बचाए और गाड़ी पर लोड करके हॉस्पिटल लेके चलाए। अच्छा, और गच रहा है कि हमरे पिस्टन था वो लड़का को गच भी रहा है, गोली उली भी मिला है, गोली है वो मिला है, मोबाइल चोर था ही सब। तो इलाज में चला है, मोबाइल चोर था ही सब। जनता तो बोल रहा था ऐसे क्योंकि दो दिन से छीन रहा है सब। कहाँ पे हुआ घटना? ये हुआ है कादिरगंज के बगल में, उसको विजय नगर, विजय नगर कहाँ। अच्छा ठीक ठीक है, क्या कैसे क्या हुआ ये बताओ। सर हम लोग जा रहे थे विजयनगर देने घूमने, वो सब बोला कि मोबाइल छीनता है, वो करता है, वो सब करता है, और उसने मारा है छेक के। मोबाइल चुराने वाला भाग गया पीछे से, जा रहा था मेरे साथ ही वो पीछे पीछे, हमको क्या पता कि मोबाइल चुराने जा रहा, वो सब भाग गया पीछे। क्या को पिटाया? पिटाया हमने को, दो को पिटाया। दोस्त है तुम्हारा? हाँ दोस्त है, हम ही दोनों जा रहे हैं। कहाँ घर? कहाँ घर है? कादिरगंज। कहाँ पे? कादिरगंज इधर नदिया किनारे। क्या नाम है तुम्हारा? मनीष कुमार। हाँ उसका? उसका कन्हैया कुमार। तुम लोगों का है पिटा फिर? नवादा के भदौनी में अवैध संबंधों का विरोध करने पर पत्नी ने पति की जमकर पिटाई की। पीड़ित टिंकू कुमार ने बताया कि पत्नी का मेरे एक दोस्त के साथ अवैध संबंध है, जिसकी जानकारी पर दिल्ली से लौटकर पत्नी नीतू देवी से पूछताछ की तो उसने जानलेवा हमला कर दिया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। पीड़ित युवक ने परिजनों से घायल अवस्था में सदर अस्पताल में उपचार के लिए भर्ती कराया है, जहाँ चिकित्सक हंक अंसारी के निर्देशन में उपचार किया जा रहा है। पीड़ित युवक ने नगर थाना पुलिस में शिकायत दर्ज कर पुलिस अपराधियों में सुरक्षा की गुहार लगाई है। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि पीड़ित की शादी साल 2014 में कौआकोल निवासी नीतू कुमारी से हुई थी, जिसके अवैध संबंध भदौनी गांव निवासी आरोपी युवक करण मिस्त्री का मामला प्रकाश में आया है। हाँ क्या हुआ है? हमारा बीवी ने हमको मारा, सिर फार दिया। इससे पहले हमारा बीवी ने हमको धमकी भी दिया, मरवा देंगे तुमको, मार डालेंगे, ऐसा ऐसा बात बोला। क्या कारण क्या है मारपीट का बीवी के द्वारा? हम कुछ दिन पहले हम दिल्ली में रहते थे, दिल्ली में हमारा एक दोस्त आया था जिसका नाम है करण कुमार, भदौनी का रहने वाला है, पिता का नाम हुआ उसका रविंदर मिस्त्री। हमारा बीवी को उसने लेकर भाग आया दिल्ली से हमारे पीछे। जब घर पहुंचा तो हमारा बीवी को बेतिया के शिकारपुर थाना क्षेत्र के सिमरा गांव में एक सपेरे को सांप पकड़ते समय कोबरा सांप ने काट लिया और उसकी स्थिति गंभीर रूप से बिगड़ गई। स्थानीय लोगों ने बताया कि सिमरा निवासी विपत पासवान कई सालों से सांप पकड़ने का काम करता था, शनिवार को सांप पकड़ने गया था, जहां इस दौरान सांप ने उसे काट लिया। घटना की जानकारी होने पर उसके परिजनों ने गाँव के ही वैद्य को दिखाया, जिसके बाद स्थिति बिगड़ने पर उसे आनंद फानन में नरकटियागंज मंडली अस्पताल में प्राथमिक उपचार के बाद जीएमसीएच बेतिया रेफर कर दिया गया। एक पेशेंट जिसका नाम दीपक पासवान, पिता का नाम बीरन पासवान, 65 वर्ष, ग्राम सेमरा वार्ड नंबर 10 थाना शिकारपुर का, जो कि स्नेक बाइट का केस है, ऐसा प्रतीत होता है कि उसको कोबरा सांप ने काटा है और 3 घंटा पहले से कहीं अन्यत्र भी इलाज उसका कराया गया, उसके बाद यहाँ लेके आया गया प्राथमिक उपचार और सर्पदंश की दवा देने के बाद वरीय चिकित्सकों के अभाव में और यहाँ उपलब्ध चिकित्सा सुविधा के अभाव में उसको जेके हॉस्पिटल बेतिया रेफर किया गया। अखिल भारतीय कुर्मी क्षत्रिय महासभा के तत्वाधान में मकर संक्रांति के अवसर पर IMA हॉल में दही चूरा भोज सह मिलन समारोह का आयोजन हुआ।
कार्यक्रम के संयोजक डॉक्टर अभिषेक कुमार ने कहा कि राजनीतिक दृष्टिकोण से कुर्मी समाज पिछड़ा हुआ है। अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के जरिए कुर्मी समाज को आगे लाना मुख्य उद्देश्य है। इस मौके पर वरिष्ठ चिकित्सक श्याम नारायण प्रसाद ने बताया कि सीएम नीतीश कुमार कुर्मी समाज से हैं और कुर्मी समाज के विकास के लिए कुछ नहीं किया। यह हमारे समाज का दुर्भाग्य है कि हम लोग एकजुट नहीं हो पाए और राजनीतिक दृष्टिकोण से काफी पीछे छूट गए हैं। मिलन समारोह में बिहार शरीफ समेत आसपास के स्थानों में बड़ी संख्या में कुर्मी समाज के गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे। अखिल भारतीय कुर्मी क्षत्रिय महासभा की ओर से सभी कुर्मी समाज के लिए दही चूड़ा का आयोजन किया गया, मिलन का आयोजन किया गया। उद्देश्य क्या है इसका? इनका उद्देश्य है कि हम लोग जब हम लोग पढ़े लिखे हो गए, धीरे धीरे अलग अलग होते चल गए, तो धीरे धीरे ये संगठन जो है, ये देशव्यापी संगठन है, इसके उपाध्यक्ष हम हैं, तो लाए हैं संगठन को और धीरे धीरे इसके बैनर तले सबको लाना है, सबको एकत्र करना है, ये गेट टुगेदर करना है और इसका उद्देश्य यही है, सबको आगे बढ़ाने में मदद करना है। जिले से हैं या फिर सिर्फ बिहार से? नहीं, ये पूरे संगठन पूरा देश का है। हम नालंदा के उपाध्यक्ष हैं प्रदेश। ये कोई गिना दे, मैं मुझसे करीब उनसे कोई नहीं रहा है और अभी भी मैं बहुत ही आदर करता हूँ और चाहता हूँ कि अगले 17 साल तक वही रहे मुख्यमंत्री, लेकिन उस सब के बाद भी ये अपने भी 17 साल के टेन्योर में कितने लोगों को उन्होंने कुछ किया, कितने लोगों को प्रमोशन दिया, कितने लोगों को तरक्की में मदद की, कितने लोगों को रिकॉग्नाइज किया, किस राजनीतिक कार्यकर्ता का उन्होंने सम्मान किया, बल्कि जो थोड़ा बहुत सम्मान किसी कोई कार्यकर्ता उसमें जुटा हुआ भी था उसको भी अपमानित किया। तो ये दुर्भाग्य है हमारा और दुर्भाग्य इसलिए है कि हम लोग बेतिया के मझौलिया में रविवार को सुगर इंडस्ट्रीज के सभागार में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से कानूनी जागरूकता शिविर का आयोजन हुआ। डिप्टी जीएम वाणिज्य उपेंद्र नाथ राय बतौर मुख्य अतिथि कार्यक्रम में उपस्थित आगत अतिथियों का स्वागत करते हुए कहा कि प्रत्येक व्यक्ति को कानून की जानकारी रखनी चाहिए। जागरूकता शिविर के आयोजन के लिए उन्होंने पैनल अधिवक्ता समेत अन्य न्यायवादियों को सराहना की। दौरान लोक अदालत के पैनल अधिवक्ता कन्हैया हाजरा ने उपस्थित जनों को निःशुल्क कानूनी सहायता प्रदान करना, कानूनी सहायता का प्रसार करना, लोक अदालतों का आयोजन करना, निपटारे के लिए वैकल्पिक समाधान को प्रोत्साहित करने की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि बेतिया कोर्ट परिसर में आगामी 11 फरवरी को लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। के संबंध में है ज्यादा से ज्यादा केस का मामला हो, मेटरलाइज हो जाएगा, किसी भी कोई तरह की समस्याएं हो वहाँ सलूशन हो जाएगी आपके साथ। भूमि विवाद, हाँ भूमि विवाद भी जो मान लेते हैं छोटा मोटा विवाद है भूमि संबंधी, तो उसको हाथ से हाथ मिलवा सेना दिवस आज के दिन 15 जनवरी के दिन आज से 76 साल पहले भारतीय सेना ने जम्मू कश्मीर के ऊपर जो जिन लोगों ने कबाइलियों के रूप में हमला किया था उनको पराजित किया था और पराजित करते हुए इन दुर्गम परिस्थितियों में भी इतने ठंड होने के बावजूद भी सेना ने अपने साहस, अदम्य साहस के बदौलत उस पर भी जीत हासिल की। उसी दिन से आज ये उसी दिन को 15 जनवरी को ही हमने ये जीत हासिल किया था, हमने या हमारी सेना ने तो उन पूर्वजों को श्रद्धा सुमन हम लोग अर्पित करते हैं और उनके सम्मान में उसी दिन से इस दिवस को सेना दिवस के रूप में मनाया जाता है। बिहार की खबरों में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए प्राइम टीवी के साथ। नमस्कार। कुछ भाव पुष्प आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। क्या आप घर बैठे कुछ खरीदना चाहते हैं? क्या आप खोज रहे हैं विश्वसनीय ई स्टोर? तो देर किस बात की, अभी लॉगिन करें skbmarket.in। skbmarket.in देश का सबसे तेजी से बढ़ता ऑनलाइन शॉपिंग और सर्विस प्लेटफॉर्म है
आपके skbmarket.in से अब तक 3 लाख से ज्यादा संतुष्ट ग्राहक जुड़ चुके हैं। हमारा उद्देश्य न केवल उत्पाद बेचना है बल्कि आत्मनिर्भर भारत का निर्माण करना है। हम अपनी ई सेवा गतिविधियाँ यानी ऑनलाइन व्यवसाय को अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुँचाने जा रहे हैं। skbmarket.in, शॉपिंग सुकून के साथ।